नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं आपके साथ के राणा। रुक करते हैं खबरों का। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बंपर जीत के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। खबर चंदौली से है। भाजपा के गृह मंत्री के गृह जनपद में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। जीत की खुशी से लवरेज भाजपाइयों ने मुगल सराय में जुलूस निकाल कर ढोल नगाड़ों और नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर मिठाइयां भी बांटी। चंदौली न सिर्फ गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद है बल्कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहीं से सांसद भी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश पर अपनी नीतियों को साबित कर दिया है। आज हम सब लोग उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष और गृह मंत्री जी का जिला है, कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं और नारा लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जय, और हम सब खुशियां बांट रहे हैं। कहते हैं इंसान को गलत आदत नहीं पालनी चाहिए, कभी कभी ये उसके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। ऐसा ही एक हादसा सिद्धार्थनगर जिले के दरोगा के साथ हुआ, जब वह शनिवार को नेपाल के कृष्णनगर कस्बे में स्थित कृष्णा कंसर्न दुकान पर एक जैकेट खरीदने पहुंचा, लेकिन काफी देर तक साइज को लेकर परेशान होने के बाद उसकी साइज का जैकेट न होने से झल्ला कर दरोगा ने अपनी आदत में सुमार गालियों का प्रयोग दुकानदार के लिए किया, लेकिन दुकानदार और उसके बेटे को ये अच्छा नहीं लगा, जिससे उन्होंने उसका विरोध किया। बता दें कि ये बात इतनी बढ़ गई कि मामला जबरदस्त मारपीट में तब्दील हो गया। दुकानदारों ने दरोगा को जमकर पीटा। वहीं घटना का शोर सुन नेपाली पुलिस ने वहां पहुंचकर बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को थाने ले गई। बता दें कि फिलहाल दोनों पक्षों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और सुलह भी कर ली है। हाथरस सदर कोतवाली क्षेत्र के मुरसान गेट पर आज उस समय भारी हंगामा मच गया जब एक सिपाही ने 3 एटीएम ठगों को दबोच लिया, जिनमें से 2 ठग भाग निकले लेकिन एक को सिपाही और स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और उसे पीटते पीटते थाना कोतवाली सदर तक ले गए। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। एटीएम इसने मेरा बदला, तुरंत मैंने उसको झपट्टा मार लिया, भाई मेरा एटीएम क्यों बदल रहा है, ये अपना एटीएम मुझे क्यों दे रहा है, मेरे नाम डला हुआ, तो तुरंत मेरा एटीएम मेरे ऊपर फेंक के वो भागने लग गया। तुरंत मैंने इसका कॉलर पकड़ा, क्या गेट में था, इतने थे टोटल, ये गेट पर 2 लोग खड़े हुए थे, एक मेरे पीछे आया था, हाँ, लेकिन बैग में भगते समय ये 2 थे। कोतवाली में एक मामला आया था, यूनियन बैंक का एटीएम है, वहाँ पर एक आगरा में तैनात सिपाही है, वो पैसे निकाल रहा था, तो एक व्यक्ति ने उसके साथ में धोखाधड़ी करके एटीएम बदलने की कोशिश की उसकी, और उस एटीएम को बाद में यूज़ करके पैसे निकालने की बात की, तो उस सिपाही ने वहाँ पर सजगता दिखाई और उसको जब से पहचान में आया कि व्यक्ति कुछ धोखाधड़ी कर रहा है, उसको वहाँ पर पकड़ लिया गया और जो सिपाही है उसके जो तहरीर है उसके आधार पर मुकदमा लिखा जा रहा है। वहाँ पर लोग भी मौजूद थे, उन लोगों ने भी घटना को देखा है। यूपी के मथुरा में दूध विक्रेता ने डेयरी संचालकों पर दूध के कम मूल्यों की खरीद को लेकर आरोप लगाया है, तो वहीं गांव के दूधियाओं ने तहसील गोवर्धन के गेट पर सड़कों पर दूध फैलाकर दूध के कम मूल्य के होने का जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखें इस रिपोर्ट में। जो दूध का रेट जो है 26 के मारे, ये दूध का परिधान है, गाँव में दूध नहीं कर रहा है, बरसाने में नहीं करो, बसों में 8 दिन के दूध आम मामले नहीं करो, तो सरकार यहाँ मामले में चुप लगा के बैठी है, खाली कोटन पे ध्यान दे रही है, क्या जिम्मेदारी मांग कोई ध्यान नहीं है सरकार। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भले ही अभी 1 साल की देरी हो लेकिन आरोपों का सिलसिला अभी से शुरू हो चुका है और रायपुर में बीजेपी और कांग्रेस के नेता ने एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2018 में विधानसभा चुनाव होंगे। देखिए कांग्रेस कम से कम भ्रष्टाचार के बारे में बातचीत मत करें, जो भ्रष्टाचार की जननी रही है इस देश में देश की आजादी के बाद से, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं करूंगा, अभी की बात करूं, मोदी जी के आने के पहले जब हम रोज पेपर उठाते थे तो कहीं 2G घोटाला, कहीं 3G, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, यहां तक कि कॉमनवेल्थ गेम में घोटाला, लाखों करोड़ों हजार करोड़ रुपए के घोटाले इस देश में, जिस जनता की हेराल्ड पेपर का घोटाला, उनके जीजाजी का घोटाला, जमीनों का घोटाला, तमाम प्रकार। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार से लेकर के उनके सारे नाकामियों को, असफलताओं को,
उनके द्वारा जनता के साथ किए गए वादा खिलाफियों को हम लगातार वैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उठाते रहे हैं। यही कारण है कि आज सरकार को लोगों के पास जाने के लिए ऐसे कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जिसके चलते वो जनता के पास जाए, अपनी बातें रख सके। उत्तर प्रदेश के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक समय पर एक ही जगह पर दो अलग अलग ट्रेनों में शव मिले। दो ट्रेनों में दो शव मिलने पर आगरा कैंट जीआरपी तत्काल हरकत में आई। मौके पर पहुंची जीआरपी आगरा कैंट पुलिस ने दोनों ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शवों के शिनाख्त के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। और आगरा कैंट जीआरपी के इंस्पेक्टर मणिकांत शर्मा का कहना है कि एक शव सचखंड एक्सप्रेस में मिला है तो दूसरा शव दादर बरेली एक्सप्रेस से मिला है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और जब तक शवों की शिनाख्त नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वहीं पुलिस को पीएम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है जिससे मौत के कारण का पता चल सके। लोगों की भगवान के प्रति आस्था ही उन्हें किसी भी बाधा या समस्या को पार करने से नहीं रोकती। तभी तो कड़ाके की ठंड होने के बावजूद भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाने से नहीं चूकते हैं। बता दें कि सीतापुर के कस्बा सेवता के मध्य स्थित मां सोना सर देवी के मंदिर में सुबह 3 बजे से ही दर्शन करने वाले लोगों की भीड़ लग गई। यूं तो प्रत्येक व्यक्ति अमावस्या पूर्णिमा नवरात्रि को भीड़ होती है लेकिन सोमवार अमावस्या पड़ने पर मां के दर्शन के लिए यहां काफी भीड़ उमड़ती है। बता दें कि मंदिर में काफी आमदनी होने के बाद भी मंदिर में प्रशासन की ओर से ठंड से निपटने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही ग्राम प्रधान द्वारा भी इस व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। नतीजन लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा यहाँ पेयजल की भी उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों के गले एक बूंद पानी को तरस जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24 और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।